गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जयमदान। आपको याद है ना, मैं इतने दिनों से आपको याद दिला रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में जान पहचान में 12 साल से छोटी टैलेंटेड बच्ची है तो उसे हम मौका दे सकते हैं अपने शो में आने का। बच्चे का प्रोफाइल हमें भेजिए, कैसे आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आपको ये भी याद है कि मैं आपको बताने वाली हूँ, कल से हमारा नवरात्र स्पेशल शो शुरू हो रहा है कि माँ की कृपा आप कैसे पा सकते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे आज और कल, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी हेडलाइन से। नारियल बुरी नजर, बीमारी, कारोबार, नुकसान, हर समस्या से निजात दिलाएगा। कैसे, मैं बताऊंगी। श्राद्ध के आखिरी दिन आपकी कई समस्याओं की वजह पितृदोष कैसे होगी दूर, बेहद खास उपाय बताने वाली हूँ। कैसा होना चाहिए आपका घर, आपका बेडरूम, मुझसे जानिए। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी और फैशन टिप्स देने वाली हूँ। आप जानते हैं कल आखिरी श्राद्ध है, तो मैं आपको श्राद्ध से जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगी। कैसे घी, चावल और भी बहुत छोटे छोटे उपाय आपके पितृदोष को समाप्त कर सकते हैं, आपको पितरों का आशीर्वाद दिला सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको आज दूंगी। लेकिन पहले बात करते हैं नारियल की। ये जो नारियल है ना, ये बड़े ही काम की चीज है। आज तक आप इसको सिर्फ खाते रहे हैं या पूजा में इस्तेमाल करते रहे हैं। अब यही नारियल आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये जानिए। बुरी नजर से बचने के लिए एक नारियल लें, जैसे ये नारियल मेरे हाथ में है। उसे अपने कद के बराबर लंबे कलेवे से बांधे, यानी कि लाल रंग की मौली से बांधे। अब अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसार के बहते पानी या नदी में डाल दें। ये उपाय आपको लगातार 7 मंगलवार करना है और आपको राहत मिलेगी। अगर आपको किसी ने कह दिया है कि तुम्हारा राहु खराब है, तो राहु के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें, बुधवार रात को एक नारियल अपने सिरहाने रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उसे दक्षिणा के साथ गणेश जी को भेंट करें। आपको जल्दी फायदा पहुंचेगा, राहु आपको तंग नहीं करेगा। अब यही नारियल शनि के बुरे प्रकोप से कैसे बचाता है, ये भी तो हमें जानना है। एक काले कपड़े में आप नारियल, जौ, काली उड़द थोड़ी सी और उसे इस सबको बांध लीजिए इस कपड़े में। उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर सैटरडे को दिन बहते पानी में बहा दीजिए। ये उपाय 7 शनिवार करना है, जल्द लाभ मिलेगा, शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। काम में नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, यही नारियल आपके नुकसान को रोकेगा, कैसे जानिए। हर गुरुवार 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेकर उसमें एक नारियल, 1 जोड़ा जनेऊ, 1.25 पाव पीली मिठाई रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर रखाएं। ये उपाय हर गुरुवार करने से आपको बिजनेस में फायदा होने लगेगा। आपकी सेहत कैसे ठीक हो सकती है इस नारियल से, ये मैं आपको बताती हूँ। नारियल का पानी अगर आप लगातार पीते हैं तो किडनी में मौजूद जो पथरी है वो अपने आप खत्म हो जाती है, यानी कि डिसॉल्व हो जाती है। अगर आपको किडनी में पथरी की समस्या है तो ये उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। किडनी और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है सिर्फ 1 ग्लास नारियल पानी। जानते हैं गर्भवती महिलाएं, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे हेल्प करता है नारियल। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और वो सुबह बिल्कुल रूटीन से 50 ग्राम नारियल, मतलब लगभग समझिए इतना पीस नारियल का, अगर वो चबा चबा कर खाती हैं तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। साथ ही जो बेबी होता है उसको भी बहुत ज्यादा उसकी आईज में, उसकी ग्रेस में, बच्चे के कम्प्लेक्शन में फर्क पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ और कैसे आपको हेल्दी बेनिफिट्स देता है नारियल। पेट में अगर कीड़े हैं, बच्चों के अक्सर हो ही जाते हैं, तो सुबह नाश्ते के समय 1 चम्मच पिसा हुआ नारियल अगर बच्चे खाते हैं तो पेट की काफी बीमारियां सॉल्व हो जाती हैं। पेट के जो कीड़े भी हैं वो भी अपने आप बॉडी से निकलने लग जाते हैं। अभी इसके उपाय खत्म नहीं हुए हैं। नारियल का पानी न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि आपके आपकी बॉडी को बहुत मजबूती भी देता है। आपके शरीर में बहुत सारे वायरसेस को किल भी करता है। आपकी जिंदगी में अगर आपको ऐसा लगता है आप जल्दी बीमार हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको बुखार जल्दी हो जाता है, मौसम बदलता है, बुखार, जुकाम, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाता है। आपकी जिंदगी में अगर आपको ऐसा लगता है आप जल्दी बीमार हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको बुखार जल्दी हो जाता है, मौसम बदलता है, बुखार, जुकाम, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो नारियल पानी पीने से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। अगर आपको लगता है आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो नारियल पानी पिया करें। इससे आपकी डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो अच्छे से रिलीज होंगे, आप बेहतर महसूस करेंगे।
अब तो ये बात करी हेल्थ बेनिफिट्स की, क्या आप जानते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो ये नारियल क्या कर सकता है? आप अगर इसको रात को खाने के बाद नियमित रूप से आधा ग्लास नारियल पानी पीते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है। तो है ना नारियल कमाल की चीज। अब इसके तेल की बात करते हैं। नारियल तेल में अगर आप बादाम को मिलाकर बारीक बारीक पीसकर सिर पर लेप लगाते हैं तो इससे सिर दर्द में आपको आराम मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके बेडरूम का डेकोर कैसा है? बेड की पोजीशन कैसी है? कैसे कुशन्स की शेप पड़ी है उनके ऊपर? बेडरूम में कौन सी तस्वीर लगाई है आपने? पर्दे कौन से कलर के हैं? अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आप दीजिए, क्योंकि आपके बेडरूम से आपकी जिंदगी में कैसे खुशहाली आएगी ये मैं आपको आज ही बताऊंगी। लेकिन पहले बात करते हैं श्राद्ध यानी कि पितृपक्ष की। कल आखिरी श्राद्ध है यानी कि पितृपक्ष का आखिरी दिन है, तो आज और कल आप क्या कर सकते हैं ताकि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो, जानिए। आप उन सभी पितरों का जिनका आप श्राद्ध करना याद नहीं रहता या आपको उनकी पता नहीं किस दिन श्राद्ध करना है, तो आप कल यानी कि अमावस्या के दिन आप उनसे क्षमा अर्चना मांगकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। आपको क्या करना है आप ध्यान से सुनिए। आटा, कच्चा दूध और उसमें पानी मिलाकर आप उनको तर्पण दीजिए। और क्या कर सकते हैं, आप पके चावल का पिंड बनाकर पीपल की जड़ में रखें और सभी पितरों से माफी मांगते हुए उन्हें अभिमंत्रित करें कि उनसे आपसे क्षमा हो गई और आप उनकी कृपा चाहते हैं। इसके बाद क्या करें कि पितरों की पसंद का भोजन बनाएं, और ये भोजन आपको खुद नहीं खाना है, पहले थोड़ा सा गाय के लिए निकालना है, फिर डॉग्स के लिए, और अगले दिन ये आपको क्रोस को खिलाना है। अब और क्या कर सकते हैं पितरों को पसंद करने के लिए, आप चावल पकाकर उसमें घी मिलाकर उसको मिक्स करकर क्रोस को दे सकते हैं। आपके पार्क में, आपके घर के आसपास कहीं पार्क होगा वहां पे जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। आपका रखते ही क्रोस अपने आप खुद खुद आ जाते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और आप जानते हैं अगर आप हर सैटरडे को यही काम करते हैं, चावल घी मिलाकर पार्क में रखाते हैं क्रोस के लिए, तो इससे भी आपके पितर हर बार बहुत प्रसन्न होते हैं। आप और क्या कर सकते हैं, आज और कल के दिन आप काल सर्प की पूजा कर सकते हैं। खास तौर पे कल के दिन इसका बहुत महत्व है। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप कल के दिन विष्णु जी को के चतुर्भुज रूप की आराधना करें। इससे आपकी जिंदगी में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो काम में रुकावटें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। और क्या करेंगे कल, कल दूध नमक को अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे नहीं खाएं। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, शाम के समय आटे के दिए में सरसों का तेल डालकर जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे आपको रखाना है या फिर घर में तुलसी के पौधे के पास रख देना है। ये भी पितरों की विदाई का प्रतीक है। अपनी गलतियों की कैसे माफी मांगी पितरों से ये भी जानते हैं। इस मौके पर आप हाथ जोड़कर सच्चे मन से अपने पितरों से अपनी भूल चुक की माफी मांगे, उन्हें शांत रहने के लिए प्रार्थना करें, और यकीन मानिए सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना वो जरूर सुनेंगे। आप घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन भी करवा सकते हैं, उन्हें नए कपड़ों का दान भी दे सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को खिलाया हुआ भोजन सीधा पितरों तक पहुंचता है। आप कल एक और काम कर सकते हैं, आप कोई महादान करके भी अपनी पितरों की ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। इससे भी आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। महादान की चीजें कौन सी है ये जानिए। आप घी का दान कर सकते हैं, चावल का कर सकते हैं, गंगा जल, सरसों का तेल, गेहूं, काले तिल, दूध, फल, सब्जियां, स्टील के बर्तन, नमक, जूते, चप्पल, जुराबे, किसी भी जरूरतमंद को अगर आप अपने पितरों का नाम लेते हुए दान करते हैं तो समझिए आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप बाजार गए, आपको जैसा बेड अच्छा लगा आप ऑर्डर दे आए। मार्केट जाते हैं, जो बेडशीट अच्छी लगती है ले आते हैं, जो कुशन अच्छे लगते हैं उठा के ले आते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपके लिए लकी बेड शेप कौन सी है, कैसे कुशन्स होने चाहिए, कैसे रोज होने चाहिए? ये सारी चीजें आज आपको मैं बताऊंगी, आपके बेडरूम से आपकी किस्मत बदलूंगी। लेकिन पहले बात करते हैं ओवरऑल आपके बेडरूम की टिप्स की। अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियां लाने के लिए अपने बेडरूम में ये छोटे छोटे चेंजेस या चीजों को ध्यान से सुने। तो देखिए क्या कहता है वास्तु,
बेड या पलंग आपका आरामदायक होना चाहिए, अच्छा कंफर्टेबल होना चाहिए, पर बेड के बीचों बीच कोई लैंप, पंखा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि नहीं होना चाहिए। बेड के ऊपर तो पंखा लगता ही है, हम क्या करेंगे। लेकिन बेड की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए कि बेड के सेंटर में वो ऊपर ना पड़े, इस चीज का हमको ध्यान देना है, वरना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। क्योंकि हम बेड के सेंटर में, हम बेड पे लेटते हैं तो हमारा पेट बेड के सेंटर में आता है, अगर उसी के ऊपर लैंप जलता है या पंखा लगता है तो हमारी पाचन शक्ति वीक हो जाती है। है ना कमाल की चीज, तो नोटिस कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ घड़ी और वास्तु का और आपके बेडरूम का क्या कनेक्शन है। घड़ी को कभी भी सिर के पीछे या नीचे या बेड के पीछे की तरफ नहीं लगाना चाहिए। घड़ी को बेड के सामने भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो सोने वाला हमेशा टाइम स्ट्रेस में सोता है। आपको घड़ी हमेशा बेड के दाएं या बाएं ओर लगाना चाहिए, इसमें ही आपका फायदा है। जानते हैं आपकी बेडशीट क्या कहती है। आपके बेड पर सिंपल डिजाइन वाले तकिए और चादर होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा कलरफुल या फिर बहुत ज्यादा डार्क कलर्स, डिप्रेसिंग कलर्स जैसे डीप ब्राउन या फिर ब्लैक, इन कलर्स को अवॉइड करें बेडशीट के तौर पर, नहीं तो आपको रेस्टलेसनेस होगी और हो सकता है स्पाउस से झगड़ा भी हो जाए। अच्छा एक बात और, आपके बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। और बाय चांस मंदिर है, एक ही बेडरूम फ्लैट है, तो आप मंदिर के आगे कर्टन लगा दें, लेकिन वहां पर आपके पूर्वजों की तस्वीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके बेडरूम में कैसी तस्वीरें होनी चाहिए, अच्छी पीसफुल तस्वीरें होनी चाहिए। बेडरूम में झगड़े वाले, युद्ध वाले, डरावने, गंदे जानवरों वाले ऐसे चित्र बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सुंदर पीसफुल पेंटिंग्स लगाना ही बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात और, बेडरूम में हल्की पिंक लाइट अगर आती है तो हस्बैंड वाइफ के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। आप एक रेड बल्ब लेकर बेडरूम में लगा सकती हैं, उसके ऊपर दो तीन लेयर्स आप बटर पेपर की लगा दीजिए तो वो पिंक रिफ्लेक्शन देने लगेगा, इससे रेड की सॉफ्टनेस कम हो जाएगी और वो पिंकिश टोन देगा तो हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार बढ़ने लगेगा। बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने पैर करकर सोना शुभ होता है। क्यों? क्योंकि इसको कॉफिन पोजीशन कहते हैं, तो जब आप सोएं आपके पैर जो हैं वो दरवाजे की तरफ या मेन दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए। वास्तु के अनुसार आपका सिर हमेशा साउथ में होना चाहिए या वेस्ट में होना चाहिए, आपको इसी तरफ सिर रखकर सोना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेटिक फोर्स है उसके अगर आप अगेंस्ट सोते हैं तो आपको एक तो अच्छी नींद नहीं आएगी, और क्योंकि अच्छी नींद नहीं आएगी तो हो सकता है धीरे धीरे आपकी उम्र पर भी इसका प्रभाव पड़े। मैं रिलैक्स नहीं कर रही हूँ, मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, क्योंकि यही ग्रीन टी आपके चेहरे को कैसे चमकदार बनाएगी आपको आगे बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है ऐसी लुक आप कैसे पा सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी मीठी मीठी बातें हम आगे करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लक को बनाऊंगी, बढ़ाऊंगी, कैसे, आपके बेड की शेप से और साथ साथ तकियों से। तो जानते हैं कि कैसे लोगों को कैसा तकिया और पलंग चुनना चाहिए। चकोर यानी कि जो स्क्वायर पिलो है, यूजुअली हम रेक्टेंगल लेते हैं, स्क्वायर नहीं लेते हैं, तो स्क्वायर पिलो और स्क्वायर पलंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका जन्म अर्थ एलिमेंट तत्व में हुआ है, यानी कि पृथ्वी तत्व में जिनका जन्म हुआ है, ये आपके हॉरोस्कोप में आराम से रिफ्लेक्ट होगा। अगर इसकी कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, जो भी इंसान किसी अच्छे बिजनेस में है, कॉर्पोरेट में है, लाइफ में ग्रोथ चाहता है, उन लोगों के लिए बहुत शुभ है कि वो स्क्वायर बेड पे सोए और स्क्वायर पिलो पर सोए। आप ध्यान दीजिएगा कि आप रेक्टेंगल पिलो पर सोते हैं, स्क्वायर पे नहीं, तो अब आप स्क्वायर पिलो बनवा सकते हैं अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, स्टेबिलिटी चाहिए। अब जानते हैं अर्धचंद्र यानी कि सेमी सर्कल तकिए या पलंग अगर कुछ लोगों के हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वो रिप्रेजेंट करता है वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो कारखानों में, पेपर मिल्स में, शुगर मिल्स में, लकड़ी के कारखाने, इस तरह की फील्ड्स में हैं, उन्हें अगर वो सेमी सर्कल बेड पे सोते हैं या अपने बेड पर कम से कम एक सेमी सर्कल पिलो भी रख लेते हैं तो उन्हें बहुत लाभ मिलने लगता है। देखिए है ना कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके तकिया, आपके बेड और आपकी लाइफ में। अब आप जानते हैं कि कुछ लोग ट्रायंगुलर कुशन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत लोग अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में डेकोरेशन के लिए ट्रायंगुलर कुशन्स रखते हैं या फिर ट्रायंगुलर पलंग भी कुछ लोगों का होता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार क्योंकि ये
एक फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल मतलब फायर, तो इससे नींद अच्छी नहीं आती है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो डेकोरेशन के तौर पर भी आपको बेड के आसपास ट्रायंगुलर चीजें बिल्कुल नहीं रखनी है। अब बात करते हैं एक और शेप की, लहरेदार घेरों वाला पलंग या बेड जो है वो जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग वाटर एलिमेंट में जिनका जन्म हुआ है या फिर जो लोग कलाकार हैं, संगीतकार हैं, डिजाइनर हैं, राजनीति में हैं, या फिर जो लोग अपनी जिंदगी में अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी बातचीत से कमाते हैं, या जिन लोगों को चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है, वो लहरेदार वाले कुशन्स ले सकते हैं, लहरेदार वाले प्रिंट वाले कुशन्स ले सकते हैं, बेडशीट्स ले सकते हैं, ब्लू कलर की बेडशीट ले सकते हैं वेव्स वाली, ग्रीन कलर की ले सकते हैं वेव्स वाली, तो इससे उनके अंदर की क्रिएटिविटी और बेहतर होगी और अपने प्रोफेशन में वो और ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आज की हमारी ब्यूटी और फैशन टिप्स सभी बाकी हैं, साथ ही साथ फैमिली गुरु हेल्पलाइन भी बाकी है, लेकिन जानते हैं आज हमारे साथ कौन सी गेस्ट सेलिब्रिटी हैं? वो जो सेलिब्रिटी है ना वो लगभग आपकी दादी की एज की हैं। आप उनको सालों से टेलीविजन पे देखते आए हैं और वो इस उम्र में भी बहुत ही बढ़िया उमदा एक्टिंग करती हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं ब्यूटी टिप से। आज मैं आपको कुछ स्पेशल फेस मास्क बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है कि आपको अपने चेहरे के ब्लैकहेड्स कैसे निकालने हैं, कैसे पील ऑफ मास्क बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। आपको अंडे का सफेद भाग ले लेना है, एग व्हाइट ले लेना है, उसमें पाउडर चीनी मिलानी है और उसको पूरे चेहरे पर लगा लेना है। लगाने के बाद आप उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रख दें चेहरे के ऊपर और आईज वाली जगह पर होल कर दें। आप उस टिश्यू पेपर को रखने के बाद आप फिर से उसी मिक्सचर को लगा लीजिए और इसको अच्छे से हल्के हाथ से दबाइए। अब टिश्यू जब अच्छे से सूख जाए, आपकी स्किन टाइट होने लगे, तो आपको क्या करना है, आपको टिश्यू को पकड़कर यूं उसको ऊपर खींच देना है, तो ये पील ऑफ मास्क बन जाएगा। आपके चेहरे के पूरे ब्लैकहेड्स निकल जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल रिफ्रेश्ड हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। इसमें ग्रीन टी है जो मैं पीती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी पिए और इस्तेमाल करें। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ग्रीन टी और आपको ब्यूटी कनेक्शन बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। ग्रीन टी और फेस मास्क आप कैसे बना सकती हैं इस ग्रीन टी से सुनिए। ग्रीन टी को पानी में मिलाइए, उसमें कुछ बूंदे नींबू की डालिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जिलेटिन डाल दीजिए। जिलेटिन वो होता है जिससे जेली बनती है, एक पाउडर होता है। इसे 30 सेकेंड्स के लिए ओवन में रखिए और फिर इसको दोबारा अच्छे से मिलाकर चेहरे पर लगाइए। अब अपने चेहरे को ढक लीजिए और 10 मिनट बाद जब ये सूख जाए तब आप इसे नीचे से ऊपर की ओर निकालिए। इससे आपका चेहरा चमकदार बन जाएगा, फ्रेश बन जाएगा और आप किसी भी पार्टी में जाने के लिए इंस्टेंट रेडी हैं। चलिए जानते हैं आज की फैशन टिप्स। जो मैंने डिजाइन पहना हुआ है, जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये एक डिजाइनर का ड्रेस है, लेकिन आप अपने घर में ऐसी लुक कैसे पा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये एक सिंपल बॉडी फिगर कट एक गाउन मैंने पहना हुआ है और अगर आप अपनी मम्मी का वार्डरोब खोलेंगे तो आपको कोई नेट की या शानलिया की साड़ी जरूर मिल जाएगी। बस आप ये मार्केट से भी नेट का फैब्रिक ले सकते हैं। आपको इतने पोर्शन को ट्रांसपेरेंट रखना है जिसमें स्लीव्स और अपर चेस्ट आए और बाकी को आपको सिमिलर कलर की लाइनिंग दे देनी है। और फिर आप इस ड्रेस को एज अ सूट बनवा सकते हैं, छोटा कुर्ता चूड़ीदार बनवा सकते हैं, लेकिन इसी तरीके की लुक पा सकते हैं। और जैसे मैं आपको बार बार बताती चली जाती हूँ कि जब आपने इस तरह का कुछ पहना हो जिसमें हाई नेक हो, फुल स्लीव्स हो, तो आपको अपने बालों को थोड़ा बंद रखना चाहिए ताकि आपकी नेक की विजिबिलिटी आए, नहीं तो बहुत ज्यादा मैसी लुक हो जाता है। और जैसे कि मैंने बिल्कुल ब्लू पहना है, एक्सेसरीज नहीं पहनी, तो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए एक रिंग पहन ली है जिसमें बिल्कुल कंट्रास्टिंग कलर आ गया है, तो ये आपकी लुक को डिफाइन करता है। आप सॉलिड कलर से एकदम ब्राइट कलर का एक एलिमेंट पहन लेती हैं और ये आपको एक डिफरेंट, यूनिक और एक यंग लुक भी दे देता है। हमारी फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से। मैंने आपको कहा था आपने इनको बहुत सालों से टेलीविजन में देखा होगा। ये है सुनीता शिरोले जी। आप देखिए कि इनको देखकर आपके अंदर इतनी इंस्पिरेशन आएगी, आपके घर में बुजुर्गों को इतनी इंस्पिरेशन आएगी, क्या जिंदा दिली से ये जिंदगी जीती है। आइए मिलते हैं इनसे। सुनीता जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आप हमारे शो में जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं सुनीता शिरोले। सुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके जमाने में तो एक्टिंग को बहुत अच्छा काम नहीं मानते थे, फिर आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ? मैं तो बचपन से ही यही सोचती आई कि मुझे कलाकार ही बनना है, मगर कुछ घर के हालात ऐसे थे कि जॉब करनी पड़ी थी मेरे ऊपर थे। आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ? मैं तो बचपन से ही यही सोचती आई कि मुझे कलाकार ही बनना है, मगर कुछ घर के हालात ऐसे थे कि जॉब करनी पड़ी थी मेरे ऊपर एक्स्ट्रा फैमिली थी। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ऑल इंडिया ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन शिमला में होता है, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। तब बिमल रॉय जी, आयस जौहर और बलराज साहनी जज थे, उन्होंने मुझे सुजाता का रोल ऑफर किया था। अगर मैं सुजाता का रोल कर लेती जो नूतन ने किया है तो आज मैं कुछ और ही होती। सुनीता जी, आपने तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताई, वो ये कि नूतन जी की जगह आपको सुजाता का ऐतिहासिक रोल ऑफर किया गया था, लेकिन अभी भी बात करें तो उस उम्र में, मतलब जिस उम्र से आप आई हैं, इतना काम करने का जज्बा आप में कहां से आता है? आपको सुन के ताज्जुब होगा, 3.5 साल पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। 10 मिनट के लिए मेरी जान निकल गई थी, डॉक्टर डिक्लेयर्ड मी डेड। उसके बाद मेरे अंदर जान दोबारा आई और मैंने इन 3.5-4 सालों में मैंने जितना काम किया उतना पूरी जिंदगी में नहीं किया। मुझे डबल बोनस मिला है, एक तो जिंदगी दोबारा मिली, दूसरा काम में बहुत सारा मिला और लोगों का प्यार बहुत मिला है। सुनीता जी, आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्या कभी आपको ऐसा लगता था कि सब छोड़कर बस अब आराम किया जाए? क्या स्ट्रगल से ऊब भी जाती थी आप? सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे स्ट्रगल ही नहीं लगा, स्ट्रगल आई एंजॉयड स्ट्रगल। अगर किसी दिन स्ट्रगल नहीं करते तो मुझे लगता है कि आई एम मिसिंग समथिंग। आई डोंट टेक इट एज स्ट्रगल, आई टेक इट एज हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन। और मुझे स्ट्रगल करने में बहुत मजा आता है। लोग कहते तुमको यहाँ देखा, वहां देखा, वहां देखा, मैं कहती हूँ जहां जहां काम होगा वहां वहां आप मुझे देखोगे, चाहे मैं काम कर पाऊं या ना कर पाऊं। और दूसरा, मैं हिम्मत नहीं हारती। क्या बात है सुनीता जी, मजा आ गया। हमारे बच्चों को, यूथ को, जनरेशन को तो आपसे सीख लेनी चाहिए कि ना आप थकती हैं और ना आप संघर्ष से डरती हैं। क्या बात है, आप हमारे साथ जुड़ी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, प्लेजर इज माइन, मुझे आपको खुश हुआ। आप जानते हैं वो तरीका जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम मुझे 150 वर्ड्स में लिखकर भेजिए, अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स के साथ, टाइम, प्लेस एंड डेट। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो अपनी हैंडराइटिंग, अपने हथेली की तस्वीर, अपने चेहरे की तस्वीर हमें भेज दीजिए। और एक बात ध्यान से याद रखिए कि अगर आपकी बेटी में टैलेंट है और आपकी बेटी की उम्र है 12 साल से कम, तो उस बच्ची का प्रोफाइल हमें भेज दीजिए, इसी आईडी पर भेज दीजिए, हम उसे नवरात्र के दौरान अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आप कहाँ से हैं ये डिटेल जरूर लिखकर भेजिएगा। आज हम दिल्ली से चेतन कुमार का सवाल लेते हैं। चेतन अभी शादी नहीं करना चाहती और उनके फादर उन्हें अपनी पसंद की लड़की से फोर्सफुली शादी करा रहे हैं, थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। चेतन काफी परेशान है, उन्होंने अपनी डिटेल्स भेजी हैं और साथ में हमसे सोल्यूशन चाहते हैं। आपकी भी अगर ऐसी मिलती जुलती प्रॉब्लम है तो देखिए हम चेतन को क्या जवाब देते हैं। चेतन, हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने पिता से लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार से समझाएं, हो सके तो किसी रिश्तेदार की मदद लें। साथ ही आप ये उपाय भी करें कि पीले कपड़े में केसर रखकर अपने गले में पहने, और अगर केसर के पैसे आपको आपके फादर दे दें तो ये बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पापा ऐसा करने से जल्दी मान जाएंगे और आपकी पसंद की लड़की से ही आपकी शादी होगी। अब आपको आपकी जिंदगी बदलने वाला, आपकी सोच को पॉजिटिव करने वाला मैजिक मंत्र बताते हैं। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। ऐसा बुद्धा कहते हैं कि जब हम गुस्से में होते हैं तो वो एक तरह से है कि हम जहर पी रहे हैं, क्योंकि गुस्सा तो हमारे अंदर है, जहर हम पी रहे हैं और सोचते हैं कि सामने वाला मरे। ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर गुस्सा आप कर रहे हैं, सामने वाले को कड़वी बात बोल भी रहे हैं, तो उस पर उतना असर नहीं होगा जितना आप पर होगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम में जहर पैदा कर रहा है। तो गुस्सा हर तरह से आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। चलिए आप कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। जानते हैं कल मैं आपको क्या बताऊंगी? कल मैं आपको माँ के पहले स्वरूप
माँ शैलपुत्री के बारे में बताऊंगी, सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगी, आपको बताऊंगी कि यही माँ का स्वरूप छोटे छोटे उपायों से आपकी नौकरी, आपकी शादी, आपके पैसे की समस्या कैसे दूर करेंगी। साथ ही मैं आपको कल माँ के स्वरूप से जुड़ी ब्यूटी टिप्स बताऊंगी, आपको लेटेस्ट फैशन से अपडेट करूंगी, लेकिन फेस्टिवल सीजन के। तो ये ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें हम नवरात्र की कल आपसे करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।